स्त्रीची अनेक रूपं असतात. कधी ती सीता आहे, कधी सरस्वती, तर कधी दुर्गा, तर कधी काली. अशी स्त्रीची अनेक विविध रूपं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे मात्र या सिनेमात. मात्र या सिनेमाच्या निमित्तानं माझ्यासोबत आहे अभिनेत्री रवीना टंडन. रवीना, तुमचं मनापासून स्वागत आहे जी चोवीस तासमध्ये. थँक्यू. आपको भी नमस्कार. और रवीना जी, जैसे मैंने कहा कि स्त्रीची विविध रूपं या सिनेमात आम्हाला पाहायला मिळणार आहे, वेगवेगळे शेड्स आम्हाला या सिनेमात पाहायला मिळणार आहे. आणि तुम्ही इथे कधी सरस्वती आहात तर कधी दुर्गाई आहात, तर याबद्दल. लेकिन मैं समझती हूँ जो सबसे जोरदार रूप है वो एक माँ का रूप होता है. जहाँ उसके बच्चों की रक्षा करने की बात आ जाती है तो ये सभी देवियों का रूप उसमें देखने में आता है. हमारी फिल्म कुछ ऐसी है मात्र जो इस विषय पर बात करती है कि जो हमारी देश की बच्चियाँ हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं, उनकी रक्षा एक माँ किस हद तक कर सकती है. अगर हम पिछली कुछ फिल्में अगर देखें तो जैसे नाम शबाना हो, या फिर अनारकली ऑफ आरा हो, या फिर अब श्रीदेवी जी की मॉम आ रही है, तो मतलब अभी बेगम जान आ रही है विद्या बालन की, तो ये काफ़ी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में हमें दिखाई पड़ रही है. और मेरे ख्याल से ये सिनेरियो कहीं बदलते जा रहा है कि अब राइटर्स भी या उस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही है एक्ट्रेसेस को, यू नो, सेंटर पॉइंट में विचार करके. आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ही में आप बदलाव देख रहे हैं, तो एक ये बहुत पॉजिटिव साइन है. जहाँ हमारे फीमेल एक्टर्स हैं वो ऐसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के साथ आ रहे हैं, जहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ऐसी फिल्में बन रही हैं जो हमारी पब्लिक तक पहुँचे. मैं तो लोगों को बोलती हूँ कि हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं, लॉ मेकर्स नहीं हैं, तो हम किस माध्यम को समझते हैं और जानते हैं उसी माध्यम के ज़रिए अगर हम एक जागरूकता फैला सकें तो एक बहुत बड़ी बात है अपने. मतलब इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो गए आपके तकरीबन, और मतलब हम काफ़ी मिस करते हैं रवीना जी आपको. मतलब आपका डांस हो, आपकी स्टाइल हो, आपकी फिल्में हो, आई मीन ये सारी चीज़ें आजकल की फिल्मों में शायद नहीं मिलती. स्पेशली आपका डांस और गोविंदा के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो, तो आप पर्सनली मिस करती है चीज़ें? ऑनेस्टली नहीं, लेकिन आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय कॉमेडी, लेकिन जो मुझे मोस्टली मैं ऐसी पिक्चरें करती हूँ जो मुझे एकदम दिल में छू जाती हैं. एंड मात्र का जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो इट रियली शुक मी, यू नो, एंड आई हैड डिसाइडेड कि मुझे ये करनी है ज़रूर ये फिल्म, और जिसमें मैं विश्वास करती हूँ मुझे ऐसी पिक्चरें करनी है. लेकिन हाँ, इसके बाद ज़रूर चाहूँगी 21 अप्रैल एक बार निकल जाए, मात्र रिलीज़ हो जाए, ज़रूर कोशिश करूँगी कोई ऐसी अच्छी कॉमेडी फिल्म या कुछ ऐसे की जाए तो मज़ा भी आएगा. रवीना जी, अब मात्र तो हो गई, पर इसके बाद क्या विचार है? कौन सी फिल्में, कौन से किस तरह के शेड्स आप करना पसंद करेंगी मात्र के बाद? अब सोचती हूँ कि मैं ऑनेस्टली ऐसी पिक्चरों से जुड़ना चाहूँगी जो जिसमें मैं एक ऐसा किरदार निभाऊँ जहाँ कुछ ना कुछ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. लेकिन हाँ, उससे हटकर एक आउट एंड आउट कॉमेडी भी करना चाहूँगी, जैसे कि एक अंदाज अपना अपना और अधूले राजा और समथिंग लाइक दैट. लेकिन आप मेरा शो देखेंगे सबसे बड़ा कलाकार, जो 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है. मात्र तो 21 अप्रैल को आएगी, लेकिन सबसे बड़ा कलाकार 8 अप्रैल को शुरू होगा. उसमें बहुत ही मौज मस्ती और बहुत ही मज़ेदार शो है, और मेरे साथ हैं बमन ईरानी और अरशद वारसी, तो मैं उनको चिढ़ाती रहती हूँ. एक मेरे बगल में है वारसी, दूसरे बगल में है पारसी. मैं उनको खूब चिढ़ाती रहती हूँ, और बहुत बहुत मज़ेदार शो निकला है, तो प्लीज़ सोनी TV पर देखिएगा. एंड उसके अलावा उस शो में आप ऐसा मेरा रूप देखेंगे जितना आप संजीदगी से आप इस कैरेक्टर को देखेंगे, उस रूप में आप मुझे देखेंगे उस शो में सबसे बड़ा कलाकार में, जैसे मैं किसी की बारात में नाच रही हूँ. लिटरली इट्स दैट मच फन दैट वी आर हैविंग. सो प्लीज ऑल्सो वॉच सबसे बड़ा कलाकार. आणि जाता जाता खास जी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी, म्हणजे मराठी सिनेमे रवीना टंडन पाहते का? आणि लवकरच मराठी सिनेमात तुम्ही काम करणार? बघितले मी सायरा. येस, एवरी वन हैज सीन दैट मूवी. मैं जब बोलती हूँ तो सब लोग हाँ वही पिक्चर देखी होगी. नहीं, लेकिन उसके पहले मैंने उनकी भी पिक्चर देखी थी जो आई थी महेश मांजरेकर जी की. मुझे नाम नहीं आ रहा है जुबान पर. पण मराठी सिनेमा करायचा आहे आणि कधी बघणार आम्ही? मैंने ऍक्च्युली कर चुकी है एक मराठी फिल्म, उसमें मैंने खुद मराठी डबिंग भी की है अपनी, लेकिन वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली इट वॉज मेड बाय मुदस्सर अजीज़. उनके साथ एक मराठी फिल्म एक्चुअली की मैंने मुदस्सर अजीज़ के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज़ नहीं हुई. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, इफ अ नाइस फिल्म विद अ गुड स्क्रिप्ट कम्स आई डेफिनेटली डू इट. कहीं पे फिल्म का जो विषय है वो रेप्स पे है, जहाँ पे मतलब अभी निर्भया जैसी एक केस है जो हम तक पहुँची, पर
काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो हम तक पहुंचते भी नहीं, और इस तरह से रेप की जो संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो ये फिल्म सारी उस चीज़ पर फोकस करती है। आप पर्सनली क्या मानती है कि ये सब चीज़ें कब बंद होगी? या ये बंद तो नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो हम जो जैसे कहते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव नए इंडिया की तरफ जो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस बढ़ाव में ये जो जैसे कि आपने कहा कि क्राइम अगेंस्ट विमेन की संख्या वो भी साथ साथ बढ़ रही है, वो कहीं नीचे नहीं आई है। गवर्नमेंट्स आए गए देखेंगे, गवर्नमेंट्स काफ़ी बदली हैं काफ़ी स्टेट्स में भी इधर उधर भी, लेकिन ये क्राइम अगेंस्ट विमेन, मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स बताती हूँ एक स्टेट की, जहाँ 2014 में 57,000 केसेस वर रिपोर्टेड अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन इन वन स्टेट इन 2014। 2015 में वो संख्या नियरली 60,000 तक बढ़ गई थी, इट वॉज 59,000 ऑड केसेज दैट वर रिपोर्टेड। तो आप देखिए जैसे हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कम नहीं हो रहा है। जितने हम सोचते हैं हम लोग एजुकेशन फैला रहे हैं, लिबरल माइंडेड हो रहे हैं, लेकिन फिर ये क्यों हो रहा है? या तो शायद यू नो क्रिमिनल्स को अब लॉ से डर नहीं है, तो ये एक गौर करने वाली बात ज़रूर है। और मैंने कहीं पे पढ़ा, आपने ऐसे कहा है कि बेटियों को सेफगार्ड करने से बेहतर होगा कि हम हमारे बेटों को अच्छे संस्कार दें, तो ये जो चीज़ आपने कही है ये आई थिंक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर हाईलाइट। बेटियों को सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है, बेटर नहीं है कि हम अपने बच्चों को, लेकिन साथ साथ बेटियों को सेफगार्ड करना, साथ साथ अपने लड़कों को भी एक सही परवरिश दें कि जो आपके बगल वाली महिला है वो आपकी दोस्त है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और आगे किसी की पत्नी और किसी की माँ बन सकती है, तो उसका उसकी उसका आदर करना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी रक्षा करना आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो आप बहुत आसान हो जाता है, हम लोग यहाँ बैठ के बोले अरे इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, गवर्नमेंट को ब्लेम करो, लॉ को ब्लेम करो, क्रिमिनल्स को ब्लेम करो, लेकिन हमारे घरों में जो खुद हो रहा है, जिस तरीके से हम अपने लड़कों को, चाहे बड़ी बहनें हों, अपने छोटे जो उनके भाई हैं, अगर देखें वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको वहीं टोकना ज़रूरी है। माएँ जो हैं उनको परवरिश करना, क्योंकि माएँ भी तो औरतें हैं, उनको अपने लड़कों को इस तरीके से परवरिश करना कि लड़की का आदर करना सीखो। एंड मैं कहूँगी लड़की नहीं, एनीवन वीकर, जो भी आपसे थोड़ा कमज़ोर है उसकी रक्षा करना सीखो, तो हमारे सोसाइटी में कितना बदलाव आ जाएगा। कहीं पे ये फिल्म करते वक्त आपने किसी रेप विक्टिम की आप मिली जाके, या कुछ चीज़ें आपकी नज़र में आई? इस शूटिंग के दौरान मैं, मतलब कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ कि हम लोग दिल्ली में थे इसकी शूटिंग के दौरान, और वहीं एक फाउंडेशन का इवेंट था, सेफ विमेन फाउंडेशन, जिससे मातृ भी जुड़ी है, एंड हम लोग ने उन्होंने उनको आमंत्रण किया था, जो निर्भया जी की माँ है, एंड उनसे मिली मैं। और मैं सोचती हूँ 2 साल बीत गए, लेकिन उस औरत के, उस माँ के आंसू अब तक नहीं सूखे, उनको तो न्याय मिला ही नहीं, यू नो। तो मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश में, जो बहुत ही गंभीरता से अब सवाल इस पर उठने चाहिए, और कहीं ना कहीं ये यूथ को मैसेज पहुँचना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अब बदलाव का समय आ गया है। दोन ओली मराठी, मैं आपको बताती हूँ मराठी में, आप हमारे व्यूवर्स के साथ बात करना है तो। हाँ, इंटरव्यू नक्की पहा, स्पॉटलाइट मधे जी 24 तासवर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे जर्नलिस्ट अशरफ सोबत, जयंती वागधरे, जी मीडिया, मुंबई। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।